समाचारों की ओर। नगर कुकरेश्वर के वार्डवासी, चंपा बाजार एवं पानी की टंकी एवं श्री राम मंदिर के आसपास के सभी युवा नगर वासी कुकरेश्वर नगर परिषद पहुंचकर नगर परिषद के सीएमओ कमल सिंह परमार को दिया ज्ञापन। नगर परिषद कुकरेश्वर द्वारा मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना के लिए पाइपलाइन डालने हेतु जेसीबी वाई ग्रेट मशीन द्वारा वार्ड क्रमांक 8-9 पानी की टंकी से लगे वार्ड गली मोहल्ले में आम रास्ते में सीमेंट कंक्रीट रोड को खोदा जा रहा है, जिसके चलते वर्तमान की बारिश के समय में जमीन नमी युक्त होने से मकानों व लेटिंग के होदों के क्षतिग्रस्त होने की आशंकाएं बनी है। वार्ड वासियों के साथ वार्ड 9 के पार्षद सुनील तेज वाला, पत्रकार एवं नगर पटेल राजेंद्र पटेल एवं एडवोकेट सुभाष मालवीय एवं युवा चंद्रशेखर खाती पटेल, रविकांत पटेल, राहुल चौधरी, प्रमोद मालवीय, राजू मालवीय, रामचंद्र पटेल एवं सभी युवा जन एवं उक्त वार्ड वासियों ने हस्ताक्षर युक्त आवेदन देकर नगर परिषद से मांग करते हुए बताया कि बिना किसी सूचना व विज्ञप्ति जारी किए सीमेंट कंक्रीट रोड को पाइपलाइन डालने के लिए खोदा जा रहा है, जो अनुचित होकर आम जन को जनधन की हानि होने की आशंका बनी हुई है। उक्त आवेदन में वार्ड के रहवासियों ने नगर परिषद से मांग करते हुए इस शीघ्र रोक जाकर हाथ या कम्बाइन ग्रेड वाली जेसीबी मशीन से खोदा जाए, अन्यथा उक्त दिशा में कोई भी जनधन हानि होगी, जिसकी समस्त जवाबदारी नगर परिषद की रहेगी। सभी वार्ड के युवाजन नगर परिषद भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नगर परिषद पहुंचे, जहां ज्ञापन का वाचन सुभाष मालवीय एडवोकेट ने किया। सभी का आभार राजेंद्र पटेल ने माना।